नमस्कार मित्रों, और मैं काव्य पाठ का प्रारंभ करूं। सर्वप्रथम मैं माँ की कुछ मुक्तकों के द्वारा वंदना प्रारंभ कर रही हूँ, सुनिएगा। भाव कविता में मुझको प्रखर दीजिए, शब्द में शिल्प का ज्ञान भर दीजिए। लोक कल्याण हो मेरी कविता को सुन, मेरी वाणी में ऐसा असर दीजिए, मेरी वाणी में ऐसा असर दीजिए। छंद और गीत का ज्ञान है ही नहीं, मान अभिमान तो मुझ में है ही नहीं। आपके कुछ भी मुझे ध्यान है ही नहीं, और कुछ भी मुझे ध्यान है ही नहीं। आइए कुछ गीत और गजल सुनाती हूँ, सुनेगा। एक छोटी सी गीतिका प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनेगा। ये गीतिका की भूमिका कुछ इस प्रकार है कि बहुत सारे पत्रकार और बहुत सारे हर क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसा होता है जो सत्य बोलता है, और सत्य बोलने वाले को किसी ना किसी तरह से कैसे शांत कराया जाता है या उसे चुप करा दिया जाता है। तो देखिएगा, ये मैंने गजल और ये जो गीतिका है मैंने उसी पर लिखी है, सुनेगा। तन्हा हर एक शख्स का साथी जरूर था, वो आईना था इसलिए महफिल से दूर था। कल उसका कत्ल हो गया चर्चा है शहर में, कल उसका कत्ल हो गया चर्चा है शहर में। सच बोलता था बस यही उसका कसूर था, सच बोलता था बस यही उसका कसूर था। और देखिएगा, शमशीर से लड़ा वो अपनी लेखनी के बल, शमशीर से लड़ा वो अपनी लेखनी के बल। बेशक वो बेसहारों की आंखों का नूर था, बेशक वो बेसहारों की आंखों का नूर था। आजाद मन का था वो थी आजाद लेखनी, आजाद मन का था वो थी आजाद लेखनी। अपनी मेरा वो ज्ञानी वो सूर था, तुलसी रहीम मेरा वो ज्ञानी वो सूर था। कोई अलविदा कहे न कहे उसको क्या करना, कोई अलविदा कहे न कहे उसको क्या करना। वो रूबरू था रब से नशे चूर चूर था, वो रूबरू था रब से नशे चूर चूर था। तन्हा हर एक शख्स का साथी जरूर था, तन्हा हर एक शख्स का साथी जरूर था। आइए एक छोटी सी गजल और दे रही हूँ, सुनिएगा। वो भी मैंने अभी समसामयिक गजल है मेरी, सुनिएगा। मौसम बदल रहा है अपना घर संभालिए, मौसम बदल रहा है अपना घर संभालिए। शीशे के महल से न यूं पत्थर उछालिए, शीशे के महल से न यूं पत्थर उछालिए। इंसानियत के कत्ल का यूं दौर देखिए, हर आदमी ने हाथ में खंजर उठा लिए, हर आदमी ने हाथ में खंजर उठा लिए। होने न पाए आज कोई और हादसा, होने न पाए आज कोई और हादसा। अपने नए प्रयोग को अब कल पिटा लिए, अपने नए प्रयोग को अब कल पे टालिए।
कब जाने आप मौत का बन जाए निशाना, कब जाने आप मौत का बन जाए निशाना, जब शहर के बच्चों ने भी है बम बना लिए, जब शहर के बच्चों ने भी है बम बना लिए, जिसका लुटा सुहाग उसकी आंख से पूछो, जिसका लुटा सुहाग उसकी आंख से पूछो, किस तरह उसने गम के समुंदर बचा लिए, किस तरह उसने गम के समुंदर बचा लिए, आवाज दे रहा है कोई दूर से तुम्हें, आवाज दे रहा है कोई दूर से तुम्हें, कुछ दोगलों ने देश में दुश्मन बसा लिए, कुछ दोगलों ने देश में दुश्मन बसा लिए। आइए मित्रों, एक छोटा सा गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। बालक हो ध्रुव जैसे मान, एक बेटी क्या चाहती है कि हमारा देश कैसा हो, हमारे देश के लोग कैसे हो, सुनिएगा। बालक हो ध्रुव जैसे महान, बालिका जानकी सीता हो, हो हरा भरा आंगन घर का, घर में रामायण गीता हो, प्रतिध्वनित शंख से गूंजे घर हो, भजन और कीर्तन के स्वर, सात्विक भोजन सात्विक विचार, फिर कहाँ रहेगा अनाचार, शिक्षा की प्रबल परीक्षा हो, पढ़ने, आजकल लोग पढ़ना नहीं चाहते, परिणाम सब चाहते हैं, अच्छा परिणाम सभी चाहते हैं, परंतु कुछ लोग पढ़ना नहीं चाहते, हम पढ़ाई से भागते हैं। यदि हम पढ़ाई से भागेंगे तो हम सभी को आधा अधूरा ज्ञान देंगे, हम क्या करेंगे, लोग पढ़ते नहीं हैं और कम नंबर पाने के बाद भी उनका जो है अच्छी अच्छी जगहों पर उनको नौकरियाँ मिल जाती हैं, तो ये हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। कृपया पढ़ें और समझें। बालक हो ध्रुव जैसे महान, बालिका जानकी सीता हो, हो हरा भरा आंगन घर का, घर में रामायण गीता हो, प्रतिध्वनित शंख से गूंजे घर हो, भजन और कीर्तन के स्वर, सात्विक भोजन सात्विक विचार, फिर कहाँ रहेगा अनाचार, शिक्षा की प्रबल परीक्षा हो, पढ़ने की सबको इच्छा हो, हो क्रिया मंत्र का संरक्षण, कर दो आरक्षण का तर्पण, गंगा यमुना की धवल धार, अब हो न सिर्फ केवल प्रचार, आचरण शुद्धता बनी रहे, बैरी पे भ्रगुटी तनी रहे, जो शत्रु पक्ष के लोग यहाँ, भारत का करते भोग यहाँ, उनका करना है हमें दमन, भारत माता है तुम्हें नमन, ऐतिहासिक पन्ने खोल रहा, नगराज हिमालय बोल रहा, छोटे निश दिन खाता हूँ, जय भारत माँ की गाता हूँ, मैं लिए खड़ा संगीन मगर, है नहीं दिख रही मुझे डगर, मेरे हाथों को बांधे वह, राजनीति को साधे वह, संकोच त्यागना नहीं मुझे, अब दया मांगना नहीं मुझे, वो गाते हैं कुर्सी कुर्सी, होती मेरी मातम कुर्सी, अब अपने नेत्र उधारो तो, बन शंकर सा हुंकारो तो, जो विष फैला वह पान करो, फिर गंगा में स्नान करो, तुम भारत का सम्मान करो, तुम भारत का सम्मान करो। आइए मित्रों, कुछ और गीत दे रही हूँ, सुनेगा, कुछ छंद दे रही हूँ, सुनेगा। बेटियों पर कुछ छंद लिखे हैं मैंने, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ पर, सुनेगा। करुणा विवेक की एक खान होती, बेटियां ये इनके लिए ममत मन में बढ़ाए, और देवियां हैं घर है तो बेटियां हमारी, आ उनके हृदयशील भाव को गढ़ाए, और जितना भी चाहती हूँ सीखना सिखाओ उन्हें, सदगुण द्वारा शीर्ष लक्ष्य पे चढ़ाइए, और घर और समाज में रहे तुम्हारा उच्च भल, इसलिए खूब निज बेटियां पढ़ाइए, इसलिए खूब निज बेटियां पढ़ाइए, और बेटियों परिवार का जो मानते हैं भार, उनके उरु में ज्ञान ज्योति को जलाएंगे, और बेटियों को मानना पराया धन हो, तपा पुलिस भावना को पूरे जग में बताएंगे, और देवी देवियों का उस घर में निवास होता, किलकार जिस घर बेटियों की पाएंगे, और पुत्र और पुत्री में भेद करना न ठीक, बेटियां न होंगी फिर पुत्र कैसे पाएंगे, बेटियां न होंगी फिर पुत्र कैसे पाएंगे। और अगला छंद देखिएगा।
बेटियों के लिए मन में जगाए ने है आप उन्हें निज संबल प्रदान कर दीजिए। और भेदभाव बेटा बेटियों के बीच करिए ना एक जैसा घर मध्य भाव भर दीजिए। एक जैसा घर मध्य भाव भर दीजिए। और बेटियों से अपना बनाओ घर देव द्वार उन्हें डोर प्रीति प्यार की अमर दीजिए। और देश को संभाल अग्रगण्य हो रही है आज बेटियां पढ़ा के घर को सुघर कीजिए। बेटियां पढ़ा के घर को सुघर कीजिए। और अवसर आज जब मिला बेटियों को तब हर क्षेत्र जाकर संभालती हैं बेटियां। और वायुयान को उड़ाती मंगल को जा रही है शत्रुओं को देश से निकालती हैं बेटियां। पिता को मुखाग्नि देती साहस की मूर्ति बनी निज वक्ष पत्थर सा ढालती हैं बेटियां। वो असहाय परिवार का ये सहारा बनी एक नहीं दो दो घर पालती हैं बेटियां। एक नहीं दो दो घर पालती हैं बेटियां। छोटा सा गीत दे रही हूँ सुनेगा। मेरे और माथ निज प्रतिमा गढ़ा कर क्या मिला तुमको। सकल संवाद नैनों के पढ़ा कर क्या मिला तुमको। सकल संवाद नैनों के पढ़ा कर क्या मिला तुमको। मेरे जब साथ में चलना नहीं बस में तुम्हारे था। हृदय की सोप्त ज्वाला को बढ़ा कर क्या मिला तुमको। हृदय की सोप्त ज्वाला को बढ़ा कर क्या मिला तुमको। तुम्हारा है हमारी सांस पर अधिकार पहले है। मेरे द्वारा दिया जाना तुम्ही मनुहार पहले है। जगत के सामने प्रगटीकरण से जग हसी होगा। जगत की हर खुशी से बढ़ तुम्हारा प्यार पहले है। जगत की हर खुशी से बढ़ तुम्हारा प्यार पहले है। तुम्हारे साथ बीते पल को वाणी दे रही हूँ मैं। समय के पृष्ठ पर अपनी निशानी दे रही हूँ मैं। कहीं तुम मुझसे पूछो तो निरुत्तर मैं न रह जाऊँ। तुम्हारी प्रीति को स्मृति सुहानी दे रही हूँ मैं। तुम्हारी प्रीति को स्मृति सुहानी दे रही हूँ मैं। गीत प्रस्तुत कर रही हूँ सुनेगा। खाना पीना छोड़ छोड़ते लिखना पढ़ना लो। खाना पीना छोड़ छोड़ते लिखना पढ़ना लो। एक टकटकी लगे रोकते कदम बढ़ाना लो। एक चाह के सम्मुख दुनिया क्यों खोते हैं लो। एक चाह के सम्मुख दुनिया क्यों खोते हैं लो। प्यार में ऐसा क्या होता है क्यों रोते हैं लो। प्यार में ऐसा क्या होता है क्यों रोते हैं लो। प्यार में ऐसा क्या होता है क्यों रोते हैं लो। पतझड़ भी बसंत लगता है मुट्ठी में अनंत लगता है। हो कुरूप कितना ही लेकिन निज प्रियतम दिगंत लगता है। बिना कंत के विकल्प बताओ क्यों होते हैं लो। बिना कंत के विकल्प बताओ क्यों होते हैं लो। अरे प्यार में ऐसा क्या होता है क्यों रोते हैं लो। पर्वत पर भी चढ़ जाते हैं। जब कोई व्यक्ति प्यार में होता है तो उसके लिए कठिन से कठिन राह बहुत आसान हो जाती है। देखिएगा पर्वत पर भी चढ़ जाते हैं दुर्गम पथ पर बढ़ जाते हैं। एक मिलन की अभिलाषा में नई कहानी गढ़ जाते हैं। अवसादों के बंजर में भी प्रेम बीज बोते हैं लो। अवसादों के बंजर में भी प्रेम बीज बोते हैं लो। अरे प्यार में ऐसा क्या होता है क्यों रोते हैं लो। जीवन का है मूल प्रेम जिसने स्वीकार किया। जीवन का है मूल प्रेम जिसने स्वीकार किया। समझो जीवन बिना कष्ट के उसने पार किया। कठिनाई से क्या डर यह तो चंदन का वट है। सुखी वही हंसकर इसको जिसने अंगीकार किया। व्यर्थ व्यथा ही संतापों की क्यों ढोते हैं लो। अरे प्यार में ऐसा क्या होता है क्यों रोते
क्या होता है, क्यों रोते हैं लोग। ये मित्रों कुछ और गीत दे रही हूँ सुनेगा। उससे पहले मैं एक माँ के नाम एक छंद दे रही हूँ सुनेगा, माँ को एक छंद समर्पित कर रही हूँ सुनेगा। कमला सिनी हो लिए हाथ में सितार, बैठी हो उदार, मेरी भूल छोड़ती चली आवा। कुंद हो गई है बुद्धि, कल्पना हुई है रिक्त, लोभ मोह द्वार मम तोड़ती चली अमा। और जाने कब से न लगा ध्यान में तुम्हारे मन, ज्ञान दान दे सो नाम जोड़ती चली अमा। और कंठ मेरे कंठ का स्वर मेरे कंठ का सवार दे सितार, सम संकटों के घन दूर मोड़ती चली अमा। और स्वर मेरे कंठ का सवार दे सितार, सम संकटों के घन दूर मोड़ती चली आवा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। दो छंद मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रही हूँ सुनेगा। शाम की प्रीत लगी जिसको, उसे कोई ना दूसरी प्रीत है भाती। अवारी है जो मुरली धुन पे, उसे कोई ना दूसरा, वो कोई ना दूसरा गीत है गाती। और बाले गोपाले बसे जिनके मन, उन्हें छवि ना कोई और सुहाती। जो जमुना दल पी चुके हैं, उनकी किसी घाट ना प्यास बुझाती। जो यमुना जल पी चुके हैं, उनकी किसी घाट ना प्यास बुझाती। और जो ब्रज धाम में है रमते, भगवान को महलों की चाह नहीं होती। भगवान जैसे हम इंसान हैं, जरा सी चीज़ पर मोहित हो जाते हैं और जरा से लालच में आ जाते हैं और गलत काम कर बैठते हैं, परंतु भगवान को सिर्फ श्रद्धा के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं। सुनेगा। जो ब्रज धाम में है रमते, उन्हें कंचन धाम नहीं है सुहाते। और राधिका राधिका जो रटते, श्री कृष्ण बुलाए बिना चले आते। और कृष्ण की भांति जो ग्वाल बना नहीं, जीवन का सुख कहाँ है पाते। और दानवों को दलने के लिए श्री कृष्ण सदा निज चक्र उठाते। दानवों को दलने के लिए श्री कृष्ण सदा निज चक्र उठाते। बहुत बहुत आभार आप सभी का। अभी अभी तो आए तुम थे, अभी अभी तो आए तुम थे, अभी न जाओ जरा तो ठहरो। अभी अभी तो आए तुम थे, अभी न जाओ जरा तो ठहरो। मिला नहीं है करार दिल को, मिला नहीं है करार हमको। जरा करो तुम इजहार हमको, मिले हो अब जो गले लगा लो। नहीं है कोई दरकार हमको, अभी अभी तो आए तुम थे, अभी न जाओ जरा तो ठहरो। और देखिए अगला बल। दर्द सहे बेहिसाब हमने, लिख दी है एक किताब हमने। जो बीते तुम बिन रात दिन ये दो इनका। दर्द सहे जो बेहिसाब हमने, लिख दी है एक किताब हमने। जो बीते तुम बिन रात दिन ये दो इनका भी कुछ हिसाब हमको। अभी अभी तो आए तुम थे, अभी न जाओ जरा तो ठहरो। अभी अभी तो आए तुम थे, अभी न जाओ जरा तो ठहरो। और अगला बंद देखिएगा। छोड़ कर जो जाओगे तुम, छोड़ कर जो जाओगे तुम, किस तरह फिर
तरह फिर मनाओगे तुम, अभी अभी तो आए तुम थे, अभी न जाओ जरा तो ठहरो। और अंतिम मत देखिएगा, इन चूड़ियों की खनक तो सुन लो, इन पायलों की छनक तो सुन लो, बुलाती तुमको ये पास अपने, बुलाती तुमको ये पास अपने, मोहब्बतों की भनक तो सुन लो, अभी अभी तो आए तुम थे, अभी न जाओ जरा तो ठहरो, अभी अभी तो आए तुम थे, अभी न जाओ जरा तो ठहरो। एक गीत मैं अपने देश के सैनिकों पर दे रही हूँ, सुनिएगा। जब हमारे देश के सैनिकों पर, उनकी सेना पर कोई सवाल उठाता है, उनके शौर्य पर कोई सवाल उठाता है, तो एक बेटी देश की क्या जवाब देती है? यदि आपके आपको अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा, सुनिएगा। आओ सब मिलकर आरती अपने देश महान की, आओ सब मिलकर आरती अपने देश महान की, सब मिलकर जय बोले सीमा पर तैनात जवान की, आओ सब मिलकर आरती अपने देश महान की, सब मिलकर जय बोले सीमा पर तैनात जवान की, देश की रक्षा के हित में जो प्रतिपल तत्पर रहता है, शीत घाम वर्षा तप को निस्दिन हंस कर सहता है, एक लक्ष्य बस केवल रहता, देश सुरक्षित हो अपना, हाथ तिरंगा लेकर गाता जय हो हिंदुस्तान की। जब हम अपने घरों में आराम से सो रहे होते, जब हमें किसी बात की चिंता नहीं होती, और हमें किसी बात की चिंता क्यों नहीं होती, हमें किसी बात की चिंता नहीं होती है तो वो उसका कारण हमारे देश के सैनिक है, जो हर मौसम में, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, हर मौसम में सीमा पर खड़े रहते हैं, तैनात रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। और जब कोई भी सैनिक शहीद होता है तो सिर्फ सैनिक नहीं शहीद होता है, उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार शहीद होता है, एक एक की भावनाएं शहीद होती हैं। सुनिएगा, जिस जवान की पत्नी घर में लिए आरती बैठी है, और पिता ने जिसके बल पर अपनी मूछे ऐठी है, भाई जिसका भुजा दाहिनी बार बार लहराता है, और अनुज जिसका खेतों में वंदे मातरम गाता है, बहना जिसकी राखी लेकर। जब हम लोग तो अपने रक्षाबंधन में अपने त्यौहार मनाते हैं, पर सोचिए जिस बहन का भाई नहीं आ पाता है उस पर क्या बीतती होगी। जिस जवान की पत्नी घर में लिए आरती बैठी है, और पिता ने जिसके बल पर अपनी मूछे ऐठी है, भाई जिसका भुजा दाहिनी बार बार लहराता है, और अनुज जिसका खेतों में वंदे मातरम गाता है, बहना जिसकी राखी लेकर सहती पीर जहान की, सब मिलकर जय बोले सीमा पर तैनात जवान की। और धन्य है वो माँ जो अपना एक बेटा शहीद हो जाने के बाद भी इतनी शक्ति रखती है, इतनी सहनशीलता रखती है कि वो कहती है कि मेरा एक बेटा शहीद हो गया तो क्या हुआ, मैं अपना दूसरा बेटा भी देश के नाम कर रही हूँ। बहुत दम रखती है ऐसी माताएं। ठोने का, जिसकी माँ कहती है बेटा शीश कभी मत, जिसकी माँ कहती है बेटा पीठ कभी मत दिखलाना, पड़े जरूरत अगर देश को हंसते हंसते मर जाना, सदा शत्रु के ऊपर चढ़कर बोलो जय माँ भारती, कुख भारती माँ की तेरी नहीं स्वप्न में हारती, नहीं रुकेगी नहीं झुकेगी परंपरा बलिदान की, आओ सब मिलकर आरती अपने देश महान की, आओ सब मिलकर आरती अपने देश महान की। और अंतिम पद देखिएगा, जाति पात के झगड़ों से उठ देश सजाने हम निकले, रक्षण और अनारक्षण से देश बचाने हम निकले, सीमाओं की रक्षा तो हम सब जवान मिलकर लेंगे, अपने दल से कृषक अन्न भंडार खेत के भर लेंगे,
कमी रहेगी नहीं हमारे घर बाहर सम्मान की। आओ सब मिल करे आरती अपने देश महान की, आओ सब मिल करे आरती अपने देश महान की। मैं पर्यावरण पर मैंने एक अभी में एक रचना लिखी है और मैं उस रचना को प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनेगा। सुनी सुनी धरती लागे, सुनी सुनी धरती लागे, सुना सुना आसमान, सुना आसमान, सुनी सुनी बगिया लागे, सुना सुना बागवान, सुना बागवान। गावन की हरियाली मिट गए उजड़ गए सब वाह, गावन की हरियाली मिट गए उजड़ गए सब वाह, सब उजार भा कहे कोयलिया कैसे छेड़ी रा, सब उजार भा कहे कोयलिया कैसे छेड़ी रा। मनई भावनास का कारण, मनई भावनास का कारण, देश न तन को ध्यान, देश न तन को ध्यान। सुनी सुनी धरती लागे, सुना सुना बागवान, सुना बागवान। और अगला बंद देखिएगा। पैसा के लालच मा कट गए हरे भर सब बिरवा, पैसा के लालच मा कट गए हरे भर सब बिरवा, जीव जंतु छाही का तरसे मर गए चिरई चिरवा। पर्यावरण बिगड़गा समया, पर्यावरण बिगड़गा समया, दुखी भवा इंसान, दुखी भवा इंसान। बिना बड़े स्वीकार के रे कौनो काम न होए। पहले हम कोई भी काम करने से पहले अपने बड़ों से आज्ञा लेते थे, परंतु आज वो प्रथा ही खत्म हो चुकी है, हम अपने संस्कार ही भूल चुके हैं। पुरुषों का पुरुष कहते हैं कि लड़कियां जो है छोटे कपड़े पहनती हैं, अपने मर्यादा में नहीं रहती। बहुत सी स्त्रियां इस बात से नकारती हैं, इस बात को वो इससे खुश नहीं होती है, परंतु मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम अपना संस्कार भूल चुके हैं। यदि हम पाश्चात्य सभ्यता पर इतना निर्भर हो चुके हैं कि हम अपनी सभ्यता भूल चुके हैं। बहुत सही बात है ये और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। सुनेगा आगे। बिना बड़े स्वीकार के रे कौनो काम ना होई, जन्म दिना बिटिया बिटवन का सुनी शाम ना होई, जन्म दिना बिटिया बिटवन का सुनी शाम ना होई। और डीजे वीजे सुन सुन फूटे, डीजे वीजे सुन सुन फूटे, सबका हू के कान, सबका हू के कान। सुनी सुनी धरती लागे, सुना सुना आसमान, सुना आसमान। बढ़ गई है जनसंख्या जब ते पूर पर ना पानी, बढ़ गई है जनसंख्या जब ते पूर पर ना पानी, बढ़ी जाती हिमवान सरीखी अदमिन की नादानी, बढ़ी जाती हिमवान सरीखी अदमिन की नादानी। अपनक दोषी कई है, अपनक दोषी कई है ना को, अपनक दोषी कई है ना को, दोषी है भगवान, दोषी है भगवान। सुनी सुनी धरती लागे, सुना सुना बागवान, सुना बागवान। और बंद देखिएगा। भला आगंतुक चे हो जो अपना सबका भला मनायो, ऊसर धरती जौन परी है वही का हरी बनायो, ऊसर धरती जौन परी है वही का हरी बनायो। भैया अपन बनायो लड़का बढ़िया कुशल किसान, बढ़िया कुशल किसान। छोट मोट हमें छोटे छोटे झगड़े लेकर कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं, सुनेगा। छोट मोट झगड़ा घर के सब घर है मान पिटायो, छोट मोट झगड़ा घर के सब घर है मान पिटायो, थाना और कचहरी खातिर भूल शहर ना आयो। और मिलजुल के सब रहो प्रेम ते राम और रहमान, राम और रहमान।
रहमान, राम और रहमान। सो छोटी सी कविता देकर मैं जाना चाहूँगी अपनी वाणी को विराम, कुछ सुनिएगा। तुम बनो राम तो सीता मैं भी बन जाऊं, तुम बनो राम तो सीता मैं भी बन जाऊं, तुम बनो राम तो सीता मैं भी बन जाऊं। राह कितनी हो कठिन साथ मैं तेरा पाऊं, राह कितनी हो कठिन साथ मैं तेरा पाऊं। बन के मर्यादा कुल की लाज को रखूंगी सदा, बन के मर्यादा कुल की लाज को रखूंगी सदा। इस तरह प्रेम का पर्याय मैं भी बन जाऊं, इस तरह प्रेम का पर्याय मैं भी बन जाऊं। तुम ही तो हो मेरी सांसों की महकती खुशबू, तुम ही तो हो मेरी सांसों की महकती खुशबू। सात जन्मों के लिए साथ तेरे बन जाऊं, सात जन्मों के लिए साथ तेरे बन जाऊं। तुम बनो मीत तो मैं तेरे सफल प्रीत बनूं, तुम बनो मीत तो मैं तेरे सफल प्रीत बनूं। साथ तेरा पाक सजन, साथ तेरा पाक सजन खुद से ही मैं इतराऊं, साथ तेरा पाक सजन खुद से ही मैं इतराऊं। न किसी मोड़ पे मैं साथ तेरा छोड़ कभी, न किसी मोड़ पे मैं साथ तेरा छोड़ कभी। बनके फूलों की कली तेरा चमन महकाऊं, बनके फूलों की कली तेरा चमन महकाऊं। हो तेरी राह में जो धूप के ये साए कभी, हो तेरी राह में जो धूप के ये साए कभी। बनके ठंडी हवा चल को सदा लहराऊं, बनके ठंडी हवा चल को सदा लहराऊं। मेरी दुनिया हो तेरे दम से ही सदा रोशन, मेरी दुनिया हो तेरे दम से ही सदा रोशन। हो मेरा प्रेम अमर गीत ये सदा गाऊं, हो मेरा प्रेम अमर गीत ये सदा गाऊं। और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ आप सभी से। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।